और इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बताते लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें लखनऊ से, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सामने आया है। इस दौरान बड़ी संख्या में एससीईआरटी कार्यालय पर पहुंचे अभ्यर्थी और इस दौरान अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सामने आया है। बता दें आरक्षण की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन करने उतरे और इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले भी कई बार प्रदर्शन किया जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर करीब 69,000 अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पहुंचे। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, पहले भी कई बार अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है, तो वहीं बड़ी संख्या में कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थी, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। नियुक्ति की मांग पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है और इसी के साथ ही आरक्षण की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन करने उतरे। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां सोने की कीमतों में जहां एक तरफ आज बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहीं चांदी के दामों में आज फिर से गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने के भाव 126 रुपए की बढ़त के साथ 47,200 रुपए हो गया है। इसके साथ ही 47,200 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि चांदी की कीमत अब 17 रुपए की गिरावट के साथ 67,745 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इसी बीच सोमवार को सोने के भाव 47,176 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव 67,762 रुपए प्रति किलोग्राम थे। इसी बीच आपको बता दें कि भारत में पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में गिरावट जारी है और रिपोर्ट्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने के भाव में गिरावट आई थी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पॉट गोल्ड में भी ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है और इसकी कीमत स्थिर रही है।